स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जीरा इन किचन में जिया और रागिनी की तरफ से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी लौकी के कोफ्ते, तो चलिए साथ मिलके बनाते हैं। बट हाँ, पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड मेरा वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा जरूर कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड चलिए बाकी बातें बाद में, शुरू करते हैं बनाना सुपर टेस्टी लौकी के कोफ्ते। बट हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा परफेक्ट लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपने सुपर टेस्टी सुपर इजी लौकी के कोफ्ते। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है लगभग 1 किलो लौकी। मैंने गोल वाली लौकी ली है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। अब इस लौकी को छील लिया है हमने, इसे करना है कद्दूकस। तो इस लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए लौकी सारी कद्दूकस कर ली है हमने। अब इसे हाथों से इस तरह से दबा दबा के अच्छे से लौकी का जो सारा पानी है उसको हमें निकाल देना है इस तरह से। तो देखिए सारी जो लौकी कद्दूकस की थी उसको हमने निचोड़ लिया उसका पानी अच्छे से। अब अपने कोफ्ते को बनाने से पहले हम तैयारी कर लेंगे अपने मसालों की। मेरे पास है 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया और 3-4 लौंग के दाने, 1/2 छोटा चम्मच है अजवाइन, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, 3-4 दाने इलायची के, थोड़ी सी जायत्री, 1 छोटा चम्मच काले मिर्च और 1 बड़ी इलायची और 3 लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब मसालों को मैं इस तरह से पानी में भिंगो के रख दूंगी और फिर तैयारी करूंगी अपने कोफ्ते तलने की। इनको हम लगभग 15 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए अब तैयार करते हैं अपना कोफ्ते का बैटर। तो ये लौकी है हमारी, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा नमक इसमें मत डालिए, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने 1.5 कप बेसन लिया हुआ है। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि लौकी में आपके कितना पानी है ये आप बेहतर जानते हैं, तो इसलिए इसका बढ़िया सा आपको इतना बेसन डालना है कि उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छा सा सूखा सा बैटर आपका तैयार हो जाए, ताकि आप आराम से अपने पकौड़े जो हैं कोफ्ते उनको तल सकें। बेसन के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अब कोफ्ते बनाने के लिए जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह से इतना बेसन हो कि आप इसको इस तरह से होल्ड कर सकें और पकौड़े आपके अच्छे बने। ये रेडी है, अब हम इनको तलते हैं। देखिए तेल हमने डाल दिया है, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ अपने लौकी के कोफ्ते, आप जो चाहें वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सफिशिएंट ऑयल कढ़ाई में डाल लीजिए और आँच तेल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम ना करें और मीडियम फ्लेम पे आँच रख के अब अपने जो कोफ्ते हैं उनको हाथों से इस तरह से करके और इसमें आप डालते जाएं। कोफ्तों को बहुत जल्दी जल्दी पलटने की कोशिश ना करें, थोड़ी देर
इनको सिकने दें, उसके बाद ये देखें इस तरह से धीरे धीरे इनको पलट लीजिए। तो अब देखिए दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से कोफ्ते हमारे सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह अपने सारे कोफ्ते तल लेंगे। तो चलिए अब करते हैं अपने कोफ्ते की करी की तैयारी। तो जो मसाले हमने सोक करके रखे थे उनको हमें ग्राइंड करना है जिंजर और गार्लिक के साथ। मैंने लिया है लगभग 10 से 15 कलियां लहसुन की और 2 इंच के आसपास इस तरह से कटी हुई अदरक। अब इनको हमें करना है ग्राइंड। हम अपनी टोमेटो प्यूरी भी अभी तैयार कर लेंगे। मेरे पास 2 मीडियम साइज टोमेटोज हैं, इन्हें रफली काट लिया है हमने। अब इसे भी हमें एकदम बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं बनाना अपनी लौकी के कोफ्ते की करी। उसी कढ़ाई को मैंने यूज कर लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो निकाल दिया है। इसमें लगभग 4 बड़े चम्मच तेल है और तेल को हम गर्म हो जाने देते हैं पहले। तो तेल हमारा हो गया है गर्म। अब इसमें हम डालेंगे 1 फूल, 2 तेज पत्ते, 2 लौंग के दाने, 1 इंच के आसपास दालचीनी, थोड़ी सी जायत्री और 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग। इनको ज्यादा देर के लिए नहीं भुनना है, लगभग 10 सेकंड के लिए बस। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड अनियन। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज हमारी एकदम भुन गई है, बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और इसको ज्यादा भुनना नहीं है, बस डालते ही तुरंत हमें ऐड करना है ये जो मसालों का पेस्ट बनाया था हमने। अब ये जो मसाले हैं इनको लगभग 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे भुनना है धीमी आंच पर। तो देखिए अब लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें, मेरे पास ये देखिए जायफल है और इससे हम थोड़ा सा जायफल इसमें इस तरह से डालेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी टोमेटो प्यूरी। इन सबको मिला के हमें तब तक भूनना है जब तक टोमेटो प्यूरी अच्छे से मिल ना जाए और जो तेल छोड़ दे। देखिए करी जो है हमारी बढ़िया से उबलने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कोफ्ते और कोफ्ते डालने के बाद इसे बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, उसके बाद फ्लेम करेंगे ऑफ। अब देखिए 1 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम करेंगे अपना ऑफ और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया एंड 1 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई का यूज कर सकते हैं, मलाई को अच्छे से फेंट लीजिए देन यूज इट। बस अब हमारी जो है लौकी का कोफ्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको
गर्मा गर्म सर्व करिए आप रोटियों के साथ, राइस के साथ, जैसे आपको पसंद हो। टेस्ट भी कर चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है, आप जरूर ट्राई करिए। आई होप आपको पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलूंगी किसी ऐसी ही टेस्टी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।